हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर पी पैरेलल है क्यू के, दोनों लाइनें क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, पी पैरेलल है क्यू के, फाइंड द अननोन वैल्यू, यानी ई एफ ए बी सी डी इन सबकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन है, इसको नाम दे देते हैं टी। ये टी लाइन हमारी हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है पी। इस लाइन के हमारे दो पार्टीशन हो रहे हैं, पहले पार्ट का नाम है ई, इस पार्ट का नाम है 125। मैंने आपको बताया था एक स्ट्रेट लाइन के अगर दो टुकड़े हों, दोनों का सम होता है 180 डिग्री, रीज़न होगा लीनियर पेयर, ठीक। एक सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है, यहाँ लिख दिया मैंने लीनियर पेयर, क्लियर। प्लस 125 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 180 में से 125 माइनस करेंगे 55 डिग्री आ जाएगा, एंगल ये आ गया। ई आने के बाद ई बराबर होगा एफ के, देखो क्या बना रहे हैं, एक्स बना रहे हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था जब भी एक्स बने आपका तो दोनों एंगल बराबर होंगे, रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। तो ई की मैंने कितना निकाला 55 डिग्री, तो आपका एंगल एफ भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। ई आ गया, एफ आ गया, दोनों आ गए। आने के बाद देखो जरा ध्यान से, मैंने बताया था दो लाइनें अगर पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट करे कि नहीं दो पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर और यहाँ पर, तो आपकी फिगर क्या बनेगी, एफ की बनेगी, और दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। आपकी एफ की फिगर कुछ इस तरीके से बन रही है, देखो ध्यान से, ये एंगल ई है और यहाँ पर एंगल बन रहा है ए। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा एंगल है वो कुछ ऐसा बन रहा है, देखो जरा, ये हमारे पे यहाँ पे आ रहा है एफ एंगल और यहाँ आ रहा है सी। ई बराबर ए के और एफ बराबर सी के, इन्हें क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने आपको बताया था दो लाइनें पैरेलल होनी जरूरी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में, तो यहाँ लिख देता हूँ एंगल ई बराबर ए के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और यहाँ लिख देता हूँ एंगल एफ बराबर सी के, दोनों में रीज़न तो सेम ही आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो एंगल ई मैंने कितना निकाला था 55, तो एंगल ए बी मेरा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। एंगल एफ मैंने कितना निकाला था 55, तो एंगल सी बी मेरा कितना हो जाएगा 55, यानी कुल मिला के मेरी ए की वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू निकल गई, ठीक है। इसी तरीके से एक और देखो यहाँ पे फिगर, उससे और हमें क्लियर हो जाएगा, एफ और सी बी निकल गया, बचा कौन है, बी और डी बचे हुए हैं हमारे। चलो बी और डी को भी निकाल देते हैं, बी और डी कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, यहाँ हमारा है 125 डिग्री का एंगल है और ये हमारा एंगल डी है। यहाँ पे भी क्या बन रहा है, देखो एक तरीके से एफ ही बन रहा है, तो एंगल डी बराबर हो जाएगा 125 डिग्री के, सेम रीज़न होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो एफ बन रहा है, और कब बनता है, जब दोनों लाइनें पैरेलल होती है तब बनता है, डी निकल के आ गया। यहाँ पर एक्स बन रहा है, डी बराबर किसके होगा, बी के, दोनों क्या बनाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो एक्स बन रहा है, तो मैं लिख देता हूँ एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के, रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। एंगल डी कितना निकाला है 125, तो एंगल बी भी हमारा कितना हो जाएगा 125, तो हमने ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकाल दी। एंगल ए हमारा है 55, बी 125, सी 55, डी डी जितना बी होगा, ठीक है, जितना डी है उतना ही हमारा बी होगा, ये भी 125 आया। एंगल हमारा ई, ई हमने निकाला 55, एफ निकाला हमने वो भी हमारा 55 है, ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है एक साथ। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।